मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के टोटल एग्जाम प्लस ऐप पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक बेहतरीन क्लास करेंगे और कल की तरह ही आप लोगों को जोश के साथ इस क्लास में पार्टिसिपेट करना है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीसी के बारे में, ठीक है। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड विधान। आईपीसी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज का जो वीडियो है सिर्फ एससीजीडी, एलडीसी, सीआरपीएफ वाले स्टूडेंट, जवान, एस्पायरेंट के लिए नहीं, बल्कि वो तमाम एग्जाम के लिए है जिसमें आईपीसी पूछा जाता है, ठीक है। और आईपीसी से रिलेटेड जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं हम लोग आज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न को हम लोग क्विज टाइप में करेंगे और आप लोगों को जवाब भी देना है कमेंट में, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जवाब कैसे देना है, सपोज दैट अगर 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब बी है तो आपको 21B लिखना है, 22C लिखना है, 23A लिखना है, इस तरह से आपको 23A इस तरह से लिख के आपको जवाब देना है, ठीक है। पहला प्रश्न चलते हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है चल एवं अचल संपत्ति भारतीय दंड विधान के किस धारा में, यानी चल एवं अचल संपत्ति आईपीसी के किस धारा में। ऑप्शन ए धारा 22, बी 20, सी 21 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 22। चल एवं अचल संपत्ति किसमें है, आईपीसी के धारा 22 में। अगला प्रश्न है बेईमानी भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है। बेईमानी आईपीसी के किस धारा में वर्णित है, ठीक है। ऑप्शन ए धारा 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं आप लोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 20, 24, ठीक है। अगला प्रश्न है संपत्ति का कब्जा, संपत्ति का कब्जा आईपीसी के किस धारा में वर्णित है। संपत्ति के कब्जा आईपीसी के किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन ए धारा 24, बी 26, सी 27 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 27, ठीक है। अगला प्रश्न नकल करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है। नकल करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 23। जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28, नकल करना। अगला प्रश्न है स्वेच्छा या जानबूझकर भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए धारा 35, बी 36, सी 37 और डी 39। जल्दी से बताएं स्वेच्छा या जानबूझकर ये आईपीसी के किस धारा में वर्णित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 39, धारा 39। अगला प्रश्न है क्षति यानी नुकसान भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है। क्षति आईपीसी के किस धारा में वर्णित है। ऑप्शन ए धारा 44, बी 43, सी 42 और डी 41।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 44, यानी आप किसी का क्षति करते हैं, किसी का कोई भी चीज नुकसान करते हैं तो आप पे IPC 44 लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कानून के अंदर रहकर किया गया उचित कार्य अपराध नहीं है, IPC के किस धारा में वर्णित है? कानून के अंदर किया गया अपराध उचित कार्य सॉरी कानून के अंदर रहकर किया गया उचित कार्य अपराध नहीं है, ये IPC के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 77, B 75, C 74 और D 76। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 76। अगला प्रश्न है, उचित सावधानी बरतने के बावजूद भी यदि दुर्घटना हो जाए तो वह अपराध नहीं है, IPC के किस धारा में यह वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, उचित सावधानी बरतने के बावजूद भी यदि दुर्घटना हो जाए तो वह अपराध नहीं है, IPC के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 76, B 77, C 80 और D 79। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 80। ठीक है, अगला प्रश्न, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, IPC के किस धारा में वर्णित है? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी अपराध नहीं है, किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं है। ऑप्शन ए धारा 84, B 83, C 85 और D 82। बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 82, धारा 82। अगला प्रश्न है, पागल व्यक्ति द्वारा या पागलपन की हालत में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, IPC के किस धारा में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, पागल व्यक्ति द्वारा या पागलपन की हालत में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है, यह IPC के धारा किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 82, B 84, C 83 और D, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं, पागल व्यक्ति द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 84। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति जिसे धोखे में नशा करा दिया गया और जब वह नशे की हालत में हो जिसका उसे ज्ञान नहीं था और कोई कार्य कर देता है तो वह भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 82, B 84, C 85, D इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 85, धारा 85। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी के इच्छा से किया गया कार्य जिसमें उसकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचने की संभावना ना हो तो वह अपराध नहीं है, IPC के किस धारा में यह वर्णित है? ऑप्शन A 82, ऑप्शन B 84, ऑप्शन C 87 और ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। दूसरी चीज है, ये इस क्लास की जो PDF है ये आपको टोटल एग्जाम प्लस ऐप पर दे दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा प्रोफेशनल नॉलेज के नोट्स वाले सेक्शन में, ठीक है? और कल जो क्लास हुआ था उसका हमने नोट्स PDF में आपको इसी नोट्स वाले सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है? और आंसर को क्या कर किए हम लोगों ने, हाईलाइट कर दिया है, तो रिवीजन करने में बहुत आसान होगा आपको, ठीक है? अगला प्रश्न, अपना रक्षा के अधिकार का पालन करते समय कोई भी कार्य अपराध नहीं है, IPC के किस धारा में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, अपना रक्षा के अधिकार का पालन करते समय कोई भी कार्य अपराध नहीं है, भारतीय
भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 94, ऑप्शन बी 95, सी 96 और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 96। अगला प्रश्न, जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध युद्ध का प्रयास करेगा, युद्ध करने के लिए किसी को उकसाएगा, वह मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। यह आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 121, बी 122, सी 123 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 121। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध के तैयारी के लिए हथियार गोला बारूद जमा करना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 120, बी 121, सी 122 और डी 123। जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 122। 122। अगर आप भारत सरकार के खिलाफ आप युद्ध की तैयारी करते हैं तो आईपीसी 122 आप पे लागू होता है। अगला प्रश्न है, कोई लोक सेवक यदि किसी राज्य के कैदी या युद्ध बंदी को भगाने में मदद करता है तो वह भारतीय दंड विधान के किस धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा? प्रश्न एक बार फिर से सुने, कोई लोक सेवक यदि किसी राज्य के कैदी या युद्ध बंदी को भगाने में मदद करता है तो वह भारतीय दंड विधान के किस धारा के अनुसार दंडित किया जाएगा? ऑप्शन ए धारा 128, ऑप्शन बी धारा 125, ऑप्शन सी धारा 126 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 128। अगर आप किसी बंदी को भगाने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक राय होकर कोई गैर कानूनी कार्य करने के लिए इकट्ठा हो तो उसे नाजायज मजमा कहा जाता है, तो यह आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक राय होकर गैर कानूनी कार्य करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो उस पे आईपीसी की कौन सी धारा लागू होता है? ऑप्शन ए 146, बी 142, सी 145 और डी 141। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 141। अगला प्रश्न है, नाजायज मजमा को तीतर बीतर होने का आदेश देने के बाद भी इसका सदस्य बने रहना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 141, बी 145, सी 146 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 145। अगला प्रश्न है, बलवा भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? बलवा भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 144, बी 145, सी 146 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी धारा 146, बलवा। आईपीसी 146। अगला प्रश्न है, घातक हथियारों से लैस होकर बलवा करने का दंड भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? घातक हथियार से लैस होकर बलवा करने का दंड, आप अगर घातक हथियार के साथ बलवा करते हैं तो आपको आईपीसी के कौन से धारा लागू होता है आप पर? ऑप्शन ए धारा 147, बी 145, सी 146, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभी जस्ट हमने को दो क्वेश्चन कराया था जिसमें 145 और 146 आंसर था,
ठीक है, अब डी या तो ये होगा या तो ये होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 147। क्लियर है। अगला प्रश्न, बलवा या नाजायज मजमा का सदस्य होना भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी के किस धारा के अनुसार दंडनीय है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, बलवा या नाजायज मजमा का सदस्य होना आईपीसी के किस धारा के अनुसार दंडनीय है? ऑप्शन ए धारा 147, बी 148, सी 149 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 149, 149। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति के फायदे के लिए बलवा किया जा रहा हो उसे दंडित करने का विधान भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 153, बी धारा 155, सी धारा 152 और डी धारा 156। जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 153, 153। अगला प्रश्न है, हंगामा या दंगा आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? हंगामा या दंगा आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 155, बी 159, सी 154 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 159, धारा 159। अगला प्रश्न है, चुनाव कार्य में रिश्वत का इस्तेमाल करने वाले का दंड भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, चुनाव कार्य में रिश्वत का इस्तेमाल करने वाले का दंड आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 171 ब, बी धारा 171 च, सी 171 फ और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 171 फ, 171 फ। अगला कार्य है, वोट डालने के लिए अधिकार से रोकना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? वोट वोट डालने से डालने के अधिकार से रोकना, ऑप्शन ए धारा 171 को, बी 171 को, सी 171 को और डी 171 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 171 भो, 171 भो। अगला प्रश्न है, किसी जीवित या मृत्यु व्यक्ति के नाम से गलत वोट करने वालों को भारतीय दंड विधान के कौन सी धारा लागू होगी? किसी जीवित या मृत्यु व्यक्ति के नाम से गलत वोट करने वालों को भारतीय दंड विधान के कौन सी धारा लागू होगी? ऑप्शन ए धारा 171 भो, धारा 171 को, सी 171 को और डी 171 को। आप इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, प्रश्न संख्या 25, इसका सही आंसर होगा डी नंबर, धारा 171 गो, 171 गो। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, वोट डालने के अधिकार से वोट डालने से रोकना 171 गो। 26 का आंसर बताएं आप लोग, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 171 भाव। अगला प्रश्न है, चुनाव में अनुचित रूपी से धन खर्चा करना भारतीय
भारतीय दंड विधान के कौन सी धारा में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, चुनाव में अनुचित तरीके से धन खर्च करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 171 छ, धारा 171 को, ऑप्शन सी 171 को और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 171 छ। अगला प्रश्न है, उतावलेपन से वाहन चलाकर किसी को जख्म पहुंचाने का दंड आईपीसी की कौन सी धारा में वर्णित है? उतावलेपन से वाहन चलाकर किसी को जख्मी पहुंचाना या जख्मी कर देना आईपीसी के कौन से धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 277, बी 279, सी 280 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 279, धारा 279। अगला प्रश्न है, अश्लील पुस्तक का प्रकाशन एवं विक्रय के लिए दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? अश्लील पुस्तक का प्रकाशन और उसे बेचना, ऑप्शन ए 279, ऑप्शन बी 292, ऑप्शन सी 280 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 292। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कार्य या गाना बजाने का दंड भारतीय दंड विधान की कौन सी धारा में वर्णित है? यानी अगर आप पब्लिक प्लेस पर अश्लील गाने को बजाते हैं तो आईपीसी के किस धारा के तहत आपको कार्रवाई की जाएगी? ऑप्शन ए धारा 291, बी 292, सी 294 और डी 296। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 294, आईपीसी 294। अगला प्रश्न है, किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, किसी के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 294, ऑप्शन बी 295, ऑप्शन सी 296 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, जल्दी बताएं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 295। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को ऐसा चोट पहुंचाना जिससे उसका मृत्यु निश्चित हो, यदि मृत्यु कारित होती है तो उस अपराधी को आईपीसी में किस धारा के तहत पनिशमेंट दिए जाएंगे? ऑप्शन ए धारा 299, बी 300, सी 302 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 299। अगला प्रश्न है, ऐसी चोट पहुंचाना जो मृत्यु हेतु पर्याप्त है तथा मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या है, भारतीय दंड विधान में किस धारा में वर्णित है? यानी हत्या आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 302, बी 300, सी 304 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है, जल्दी बताएं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 300। अगला प्रश्न है, हत्या के लिए दंड आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? हत्या का वर्णन किस में था? आईपीसी 300 में हत्या का वर्णन किया गया था और हत्या के लिए दंड ऑप्शन ए 302, बी 304, सी 306 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 302। तो 302 के तहत आपको सजा दी जाएगी अगर आप किसी का हत्या करते हैं तो।
नेक्स्ट प्रश्न है, आपराधिक मानव वध के लिए दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? आपराधिक मानव वध के लिए दंड आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 304, बी 302, सी 300 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 304। 304। अगला प्रश्न है, हत्या के प्रयत्न का दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? हत्या के प्रयत्न का दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 305, बी 306, सी 307 और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं। यानी आप किसी की हत्या करने का कोशिश करते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 307। 307। अगला प्रश्न है, आत्महत्या करने का प्रयत्न करना दंडनीय है, इसका उल्लेख भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 309, बी 311, सी 307 और डी इनमें से कोई नहीं। यानी अगर आप सुसाइड करते हैं तो ये भी एक अपराध है और आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? जल्दी बताएं कमेंट करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 309। 309 के तहत यह एक दंडनीय अपराध है सुसाइड करना। अगला प्रश्न है, चोट पहुंचाने का दंड भारतीय दंड विधान की किस धारा में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने, चोट पहुंचाने का दंड आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 309, बी 311, सी 307 और डी 319। जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 319, धारा 319। अगला प्रश्न है, गंभीर चोट पहुंचाने का दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? गंभीर चोट पहुंचाने का दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 321, बी धारा 320, सी धारा 322 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 320। 320। अगला प्रश्न है, साधारण चोट पहुंचाने का दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 320, बी 312, सी 323 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 323। 323 साधारण चोट पहुंचाना। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को जहरीला पदार्थ देकर जख्मी करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 324, बी 325, सी 328 और डी इनमें से कोई नहीं। यानी किसी को जहरीले पदार्थ देकर उसे मारना, उसके साथ मारपीट करना और उसे जख्मी करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 328। 328। जहरीला पदार्थ देकर जख्मी करना। अगला प्रश्न है, स्त्री का लज्जा भंग करना, उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 354, बी 356, सी 358 और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएं आप लोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 354। 354। अगला प्रश्न है, किडनैपिंग भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 361, बी धारा 365, सी 372 और डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 361, 361 361 319। अगला प्रश्न है, फिरौती के लिए अपहरण या व्यवहरण करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 362, बी 362 को, सी 363 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 362 को, 362 को। अगला प्रश्न है, वेश्यावृत्ति आदि के लिए किसी नाबालिग को बेचना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 370, बी 371, सी 372 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा से 372। अगला प्रश्न है, वेश्यावृत्ति आदि के लिए किसी नाबालिग को खरीदना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 373, बी 372, सी 371 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 373। अगला प्रश्न है, बलात्कार भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 375, बी 372, सी 380 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 375, धारा 375। अगला प्रश्न है, अप्राकृतिक मैथुन आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 377, बी 372, सी 380 और डी इनमें से कोई नहीं। अप्राकृतिक मैथुन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 377, 377। अगला प्रश्न है, चोरी भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 378, बी धारा 375, सी धारा 377 और डी धारा 380। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 378। अगला प्रश्न है, चोरी के लिए दंड भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 378, बी 380, सी 379 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 379। धारा 379 के तहत अगर आप चोरी करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, भय दोहन भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 380, बी 379, सी 377 और डी 383। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 383, 383, भय दोहन। अगला प्रश्न है, लूट भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 398, बी 396, सी 390 और डी इनमें से कोई नहीं। लूट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 390, 390। लूट के लिए दंड, लूट के लिए दंड आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 392, बी 390, सी 391 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 392।
392। अगला प्रश्न है, डकैती भारतीय दंड विधान की किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 392, बी 390, सी 391। कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे, लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 391। अगला प्रश्न है, डकैती के लिए दंड आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 392, बी 395, सी 396 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 395, धारा 395। अगला प्रश्न है, डकैती करते समय हत्या करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 396, बी 395, सी 394 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 396, 396। अगला प्रश्न है, डकैती से प्राप्त संपत्ति को रखना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? डकैती से प्राप्त संपत्ति को रखना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 410, बी 412 और सी 415, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 300, सॉरी 412, 412। अगला प्रश्न है, छल भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 410, बी 412, सी 415 और डी इनमें से कोई नहीं। छल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 415। अगला प्रश्न है, प्रथम पति अथवा पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह करना आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 490, बी 491, सी 492 और डी 494। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 494, 494। अगला प्रश्न है, जार कर्म भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 497, बी 498, सी 496 और डी इनमें से कोई नहीं। जार कर्म। कमेंट करें जल्दी से जल्दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 497, 497। अगला प्रश्न है, किसी विवाहित महिला को बहकाना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए धारा 496, बी 495, सी 498 और डी इनमें से कोई नहीं। यानी विवाहित मैरिड गर्ल्स वुमेन्स को बहकाना बहलाना, जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 498, 498। अगला प्रश्न है, दहेज के लिए विवाहित स्त्री को प्रताड़ित करना भारतीय दंड विधान के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 498, बी 498 क, सी 499, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 498 क, 498 को। अगला प्रश्न है 62 नंबर, सिक्सटी वन के बाद 63 आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्योंकि 61 और 62 सेम क्वेश्चन था, इसलिए हमने 62 क्वेश्चन को यहां से हटा दी। ठीक है, 63 नंबर, सरकारी सेवक का कार्य होता है ऑप्शन ए सरकारी कार्य, बी कंपनी से किसी का, सी कार्य लोक सेवक रूप में, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्य लोक सेवक के रूप में। अगला प्रश्न है, सरकारी सेवक किस सेवा से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए प्राइवेट कंपनी सेवा, बी सरकारी सेवा, सी निजी सेवा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकारी सेवा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करना किस धारा से दोषी है? किसी व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करना किस धारा के तहत वो दोषी है? ऑप्शन ए 300, बी 301, सी 304 और डी 302। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 302, 302 हत्या करना। अगला प्रश्न है, राम ने गोली मारकर रमेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया, किस धारा का अपराध है? ऑप्शन ए 310, बी 320, सी 307 और डी 326। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 307। अगला प्रश्न है, तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर किसी को धक्का मारकर मृत्यु होना किस धारा का अपराध है? ऑप्शन ए 306, बी 307, सी 304 बी और डी धारा 304 ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 304 ए। अगला प्रश्न है, तेजी एवं असावधानी से वाहन चलाना किस धारा का अपराध है? ऑप्शन ए धारा 278, बी धारा 279, सी धारा 379 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 279। अगला प्रश्न है, लड़की के साथ छेड़छाड़ करना अपराध है, यह आईपीसी के किस धारा में वर्णित है? ऑप्शन ए 354, बी 324, सी 326 और डी 363। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 354। अगला प्रश्न है, सरकारी कर्मचारी अपने प्रभाव से महिला के साथ बलात्कार करना किस धारा का अपराध है? सरकारी कर्मचारी अपने प्रभाव से अगर किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो वह किस धारा के तहत अपराध है? ऑप्शन ए धारा 376 बी, 376 बी, सी 509 और डी 354। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 376 बी। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कैसा अपराध है? ऑप्शन ए मजमा, बी अपहरण, सी बेईमानी और डी किडनैपिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपहरण। अगला प्रश्न है, खुले घर में प्रवेश कर बिना अनुमति के बेईमानी से सामान उठाना अपराध है? ऑप्शन ए चोरी, बी लूट, सी डकैती, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चोरी। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और जितने भी आईपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण धारा था इस वीडियो में हमने करवाया, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए ताकि आपको याद रहे। तो वीडियो को देखकर रिवीजन करना बार बार संभव नहीं है, इसके लिए हम आपको आंसर के साथ पीडीएफ अवेलेबल करा दिए हैं टोटल एग्जाम प्लस एप्लीकेशन के ऊपर। वहां पर जाइएगा, आप नोट्स सेलेक्ट करके नोट्स वाले सेक्शन में जाइएगा और प्रोफेशनल नॉलेज के सेक्शन में आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। आप वहां से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा इसका रिविजन करते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।